Yep. So today's topic is denial of service of investigation. Investigation part of organization security, जिसमें हम cover करने वाले हैं अपना denial of service attack. Plus इसके साथ हम एक और attack discuss करेंगे. That is the DDoS attack. तो दोनों अटैक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कैसे करते हैं. प्लस आफ्टर दैट फिर हम उसके काउंटर मेजर्स देखेंगे, प्रोटेक्शन पार्ट देखेंगे कि आप सिक्योरिटी आप कैसे वहां पे लगा सकते हो और कंपनीज को कैसे सिक्योर कर सकते हो. नाउ व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस. तो अ डिनायल ऑफ सर्विस इज अ टाइप ऑफ अटैक ऑन अ सर्वे दैट डिस्प्यूट्स इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड प्रिवेंट अदर यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग इट. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को एक तरीके का अटैक है जो करता क्या है, आपकी सर्विसेज में डिस्प्यूट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो भी एक नॉर्मल फंक्शन है वो आपका क्या होता है, सही से काम नहीं करता. नॉर्मल फंक्शंस में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, और आपके सिस्टम आप प्रॉपर तरीके से अदर यूजर्स जो हैं वो आपके सिस्टम्स को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते. अगर हम टारगेट की बात करें इसके लिए, तो द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑफ द डीओएस अटैक इज द ऑनलाइन सर्विसेज सच एज अ वेबसाइट. सबसे ज्यादा जो डॉस अटैक के लिए आपकी सर्विसेज यूज करी जाती हैं वो किसके ऊपर हैं, टारगेट कौन से होते हैं, आपके वेबसाइट्स वगैरह को या फिर वेब सर्वर्स को ये टारगेट करते हैं. थ्रू अटैक कैन आल्सो बी लॉन्च्ड अगेंस्ट अ नेटवर्क. हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपने नेटवर्क के उससे भी लॉन्च कर सकते हैं, मशीन्स पे भी कर सकते हैं, एंड इवन एंड किसी सिंगल प्रोग्राम पे भी कर सकते हैं. सिंगल प्रोग्राम पे करना, अगर हम सिंगल प्रोग्राम पे करते हैं तो वहां पे अगर पैकेट्स ज्यादा जाते हैं या फिर आपके डेटा ज्यादा वहां पे सेव होता है तो उसको भी एक वर्नेबिलिटी बोलते हैं, दैट इज द नेम ऑफ बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी. तो अगर सिंगल प्रोग्राम पे होती है तो बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी कहलाती है, एंड अगर मशीन्स वगैरह पे हो रही है तो वहां पे आपकी क्या है, मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी कहलाएगी. एंड वही चीज अगर हम नेटवर्क के ऊपर कर रहे हैं या सर्वर के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें सर्वर क्रैश हो सकता है आपका या फिर सर्वर स्लो हो सकता है. तो डॉस अटैक का अगर हम नॉर्मल बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ डॉस अटैक या व्हाट इज डॉस अटैक, तो डॉस अटैक के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ पैकेट्स इतने ज्यादा सेंड किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर या पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, जिसमें उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, वो नॉर्मल तरीके से काम करना बंद कर देता है. तो उस केस में या तो सर्वर आपका क्रैश हो सकता है या तो सर्वर आपका क्या हो सकता है, वेरी स्लो, बहुत स्लो चलने लगता है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द डीओएस, दैट इज अ डॉस अटैक. तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो, सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि डॉस अटैक एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, You run a successful business through your e-commerce platform. Sales are at an all-time high, costs are going down, and all your projection charts are moving up and to the right. One morning, you wake up and log into your site's analytics platform to check on current sales and see that Next, उसके बाद आपके पास आते हैं, that is the propagations of malicious codes. So, हमारे पास different types of जो हम data packets send कर रहे हैं, इसके different propagation methods होते हैं. वो propagation methods हैं क्या? There are three types of propagation method. The first one, that is a central source propagation technique. Second, that is a backchaining propagation technique. And the third one, that is a autonomous propagation technique. तीनों प्रोपेगेशन टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो वन बाय वन, लाइक सेंट्रल सोर्स प्रोपेगेशन टेक्निक क्या होती है, इट इज रिक्वायर्ड सेंट्रल सोर्स वेयर द अटैक टूलकिट इज इंस्टॉल्ड. हमें इसके लिए एक सेंट्रल सोर्स चाहिए जहां पे हम अपनी टूलकिट को इंस्टॉल कर सकें. व्हेन द अटैकर एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी मशीन या वल्नरेबल मशीन, इट ओपन्स द कनेक्शन ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम लिसनिंग फॉर द फाइल ट्रांसफर. फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैलिशियस कोड टूलकिट इज नॉर्मली HTTP, FTP एंड RPC सर्विस का यूज करते हैं. तो सेंट्रल सोर्स प्रोपेगेशन की बात करें तो यानी कि एक सेंट्रल सोर्स है जिससे मल्टीपल आप सिस्टम्स के ऊपर या एक ही सेंट्रल सोर्स से मल्टीपल IPs को आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो. तो दिस काइंड ऑफ मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सेंट्रल सोर्स प्रोपेगेशन टेक्निक एज वेल एज अ मेथड, राइट. नेक्स्ट होता है आपके पास बैक चेनिंग प्रोपेगेशन टेक्निक. यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले अटैकर जो है वो एक बैक चेन क्रिएट करता है. ये मैनुअल तरीका है और इसी मैनुअल तरीका का ऑटोनोमस तरीका आपको ऑटोनोमस प्रोपेगेशन टेक्निक के अंदर बताया जाता है. यानी कि बैक चेन प्रोपेगेशन यानी कि यहाँ पे आप बॉटनेट्स बना रहे हो, बट वन बाय वन खुद से नहीं बनाता. ये आपने क्या किया, एक मशीन अपना ली जिसको आपने इस नेटवर्क के अंदर हैक किया. अब उस वल्नरेबल मशीन का यूज करके आप डिफरेंट वल्नरेबल मशीन्स को स्कैन करते हो और उनमें से किसी एक को हैक करते हो, फिर उसका यूज करके आप नेक्स्ट वाली को हैक करते हो. तो एक तरीके से जो चेनिंग सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसे बोलते हैं बैक चेनिंग प्रोपेगेशन टेक्निक.
ऑटोनॉमस प्रोपेगेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि बॉटनेट्स ऑटोमेटिकली वल्नरेबल मशीन को फाइंड आउट करते हैं। आपने एक एक नेटवर्क के अंदर लाइक 50 मशीन थी, आपने किसी एक को वल्नरेबल कर दिया, उसके बाद आपने वो टूल किट वहां पे इंस्टॉल कर दी विद द ऑटोनॉमस स्क्रिप्ट के साथ। तो करेगा क्या कि वो वहां पे स्क्रिप्ट चलाएगा और स्क्रिप्ट चला के उनको स्कैन करेगा, एंड स्कैन करके जो भी अदर वल्नरेबल मिल रहा होगा खुद से उनको वल्नरेबल करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, देन उसके बाद फिर से अपने आप से उनका यूज करके नेक्स्ट वालों को टारगेट करेगा। तो दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली, दिस काइंड ऑफ मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑटोनॉमस प्रोपगेशन मेथड। तीनों क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि आप अटैक कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम अटैक यूज करने वाले हैं, दैट इज अ सिन फ्लड अटैक यूजिंग मेटास्प्लॉइट। तो अगर आप कोई भी सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग करते हो, फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़ लाना, राइट? तो हम यहाँ पे बाढ़ लेके आएंगे किसकी, पैकेट्स की बाढ़ लेके आएंगे, किसकी हेल्प से, मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। तो यूज करने का तरीका है अटैकर मशीन जो हम काली यूज करने वाले हैं, एंड द विक्टिम मशीन जो कि हम विंडो 7 यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं किसी लाइव सर्वर के ऊपर हम नहीं करेंगे बिकॉज किसी और की वेबसाइट हम टेस्टिंग पर्पस से नहीं खराब कर सकते। तो डेट्स हम यहाँ पे विंडो सर्वर, जो विंडो 7 के अंदर एक सर्वर चल रहा है मेरा, जो कि आपका HTTP और FTP सर्वर मैंने लॉन्च करके रखा है, हम उसके ऊपर इसको क्या करेंगे, अटैक को परफॉर्म करके देखेंगे। अब उसमें क्या है, आपके पास nmap टूल हम यूज करने वाले हैं, मेटास्प्लॉइट यूज करने वाले हैं, दैट इज अ फ्रेमवर्क। तो आई गेस आप लोग ने ऑलरेडी ये टूल्स जो है अपने CS ट्रेनिंग के दौरान पढ़ रखे होंगे। सो अब इसको करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माई अनदर मशीन, सो आप उस पर इस पार्ट को देख पाओगे। ओके, सो आई हैव टू मशीन्स, एक आपकी काली है और दूसरी आपकी क्या है, हमने जो यूज करी है दैट इज अ विक्टिम मशीन, आपकी विंडोज यूज करिए, ठीक है? ओके, लेते हैं। चेक कर लो आपका आईपैड क्या मिल रहा है। सो आई एम जस्ट यूजिंग IF config। तो मुझे आईपैड एस मिल रहा है ऑन द नेट कनेक्शन, जस्ट स्विच ऑन द ब्रिज वन फर्स्ट। स्विच टू द ब्रिज वन, ओके ग्रेट। नाउ लेट्स चेक द आईपी, IF config, प्रेस एंटर। तो मुझे पता चला कि मेरे पास आईपी क्या है। आपको टारगेट आईपी चाहिए तो आप टारगेट आईपी जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर सर्वर पर है तो हम यूज कर सकते हैं पिंग कमांड, एंड उसको पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर नेटवर्क के अंदर है तो उसके लिए हम arp scan -l यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से वहां पे चेक करते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली, मुझे पता था सिस्टम है मेरे पास ही, तो इसलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ। So, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें nmap कमांड यूज करना है 1.16 के ऊपर और चेक करना है क्या इसके अंदर हमारा जो सर्वर पोर्ट है वो एक्टिव है कि नहीं। तो कौन से उस पे हम करना है, 21 के ऊपर। तो लेट्स चेक ओवर 21 कि ये एक्टिव हो रखा है कि नहीं। एंटर किया अगर हमारा पोर्ट ओपन आता है दैट्स गुड, अगर हमारा पोर्ट फिल्टर आता है तब भी हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है ऑल द पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, ओके माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर लगाना भूल गया, तो -P डिनोट करना पड़ेगा फॉर द पोर्ट। तो यहाँ पे फिल्टर्ड बता रहा है मेरे को, राइट? फिल्टर्ड है, इट मीन्स हम यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉन्च करना है अपना मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट को अपना लॉन्च करने से पहले इसका डेटाबेस कनेक्ट कर लो, like service PostgreSQL start, then उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या है हमारे पास MSF
console, enter. Now, मेरा MSF console यहाँ पे load हो गया है. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे search करना है. क्या search करोगे, हम synchronization flood करने वाले हैं तो हम search करेंगे synflood. मैं synflood सर्च किया. ओके ग्रेट. सो मैंने synflood सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक ऑक्सिलरी दिखा रहा है जो कि DOS अटैक के लिए अवेलेबल है और TCP पैकेट्स का यूज कर रही है विद synchronization flooding अटैक पे. तो TCP synflooder है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी बता रखा है. इसको यूज करने का तरीका, या तो आप नॉर्मल इसके जो इंडेक्सिंग नंबर है वो लिख दो या फिर इसको पूरे को कॉपी करके लिख दो. तो हम एक काम करते हैं, हम इंडेक्सिंग नंबर यूज कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे यूज किया यूज एंड इंडेक्सिंग नंबर दैट इज 0 एंड प्रेस एंटर. एंटर करते हैं. यहाँ पे आपकी सेट हो गई क्या चीज, ऑक्सिलरी. अब आपको क्या करना है, ऑप्शन देखने हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज. कैसे करोगे, शो ऑप्शंस एंड ऑप्शंस करके एंटर किया. नाउ लेट्स सी हियर कि यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखा रहा है. सबसे पहले कि इंटरफेस क्या है आपका, लाइक आप ETS 0 इंटरनेट से कनेक्टेड हो या वाईफाई से कनेक्ट हो आप वो बता सकते हो. नंबर ऑफ पैकेट कितने सेंड करना चाहते हो वो बता सकते हो, अदरवाइज अनलिमिटेड करेगा. आर होस्ट दैट इज अ रिमोट होस्ट या टारगेट होस्ट हम इसे बोलते हैं, तो उस केस में आपको सेट करना पड़ेगा आर होस्ट. तो हम यहाँ पे आर होस्ट को सेट कर देते हैं. सेट आर होस्ट जो हमने दिया है 192.168.1.16, राइट. प्रेस किया एंटर. उसके बाद आर पोर्ट 80 सेट है, जस्ट चेंज द आर पोर्ट टू 8221. तो सेट आर पोर्ट हमने क्या किया 21 कर दिया. उसके बाद आपसे कह रहा है एस होस्ट. एस होस्ट जो होता है गाइस वो स्पूफेबल सोर्स एड्रेस होता है, यानी कि अटैक तो आपकी मशीन से ही करेगा बट जो सर वो जो आईपी है उसको वो दिखाएगा किसी और की. तो मैं अपनी आईपी जो है वो स्पूफ कराता हूँ किसी अनदर के साथ. तो मैं अपना मेन मशीन जो है जिससे मैं VM कॉन्फिगर करके रखा है हम इसका यूज करेंगे. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी आईपी चेक करी एंड आईपी इज 1.13, राइट. तो मैं इसको स्पूफ पे दिखाऊंगा कि आईपी जो मिल रही है वो 1.13 मिल रही है. मैंने यहाँ पे यूज किया सेट एस होस्ट क्या 192.168.1.13, एंटर किया. उसके बाद आपको स्नैपलाइन दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स एक बार में कैप्चर होते हैं, तो वो ठीक है रहने दो. एस पोर्ट दिखा रहा है, एस पोर्ट आपको सेट नहीं करना है. टाइम्ड आउट दिखा रहा है तो यू जस्ट सेट द टाइम्ड आउट. टाइम्ड आउट सेट यहाँ पे अभी केवल क्या है 500 मिलीसेकंड्स पे सेट है. हम इसको नंबर ऑफ सेकंड्स यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं. तो सेट टाइम्ड आउट क्या दिया हमने 3000 दे दिया, ठीक है. एंटर किया, सेट हो गए. एक बार क्रॉस चेक करने के लिए शो ऑप्शन दोबारा कर लो एंड चेक कर लो आपकी सारी चीज सेट हुई है कि नहीं. Now, just use a run command. So before using a run command, मैं एक काम करता हूँ. मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ Wireshark. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर एंड ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर के थ्रू जितने भी पैकेट जाएंगे उनको हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले विंडोज 7 जो आपकी विक्टिम मशीन है उस पर आ जाओ एंड इस पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर यूटिलिटी सेक्शन ओपन कर लो. एंड यूटिलिटी सेक्शंस के अंदर आप चेक करो कि प्रोसेस कितनी परफॉर्मेंस में कि कितना ज्यादा सीपीयू यूज हो रहा है, कितनी रैम यूज हो रही है, वो सारी चीजें आप क्या करो चेक करो यहाँ पे. तो 5% 9% 8% सीपीयू यूजेबल है एंड 919 MB के अराउंड आपकी डिस्क यूज हो रही है. ओके ग्रेट. मैं इसको रिसोर्स मॉनिटर इसको ओपन करता हूँ. रिसोर्स मॉनिटर में इसकी फुल डिटेल्स चेक करता हूँ. यहाँ पे डिस्क जो है वो बाइट्स में चल रही है, बाइट्स पर सेकेंड है ना. आपकी 1% हाईएस्ट एक्टिव टाइम, 0% हाईएस्ट एक्टिव टाइम. ग्राफ जो है वो 1 KB/s का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है. जो कि ग्राफ थोड़ी देर में चेंज हो जाता है क्योंकि सर्विसेज ज्यादा होती हैं, तो आपका MBs में चेंज हो गया. नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया आपका MBs में चेंज हो गया, 1 MB/s हो गया. और यहाँ पे जो वो है आपकी फाइल्स वो आपकी KBs में यहाँ पे चालू हो गए रिसोर्सेस, राइट. ओके, बाइट से KBs में आ गए. फिर नेटवर्क में यहाँ पे 0% दिखा रहा है, नेटवर्क के ऊपर कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा. ये 0% नेटवर्क यूटिलाइजेशन है. मेमोरी जो है 0 हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज हो रही है. 52-53% आपकी फिजिकल मेमोरी यूज हो रही है. सीपीयू की बात करें तो 4% 12%
लेस देन 15% यूज हो रहा है एंड 100% मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है। सो अब अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो हम वहां पे चले गए, अपना ट्रैफिक एनालिसिस ऑन कर दिया हमने, अटैक पे आए और अटैक में हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया। रन करने के बाद सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पैकेट जाते हुए आपको दिखाई देंगे। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे 21 के ऊपर पैकेट जाने लगे, सिन पैकेट, राइट। अब वहां पे आ जाओ और वहां पे आके चेक करोगे, तो नाउ जस्ट सी हियर, यहाँ पे 1 MB/s है जो कि फुल होती जा रही है ना। और ये सीपीयू देखो, आपका मेमोरी बढ़ने लगी, 3 949 931, अभी कितनी 957 तक चली गई, 950 कितने पे थी, 900 के अराउंड थी, 900 या 919 मेमोरी आपकी इंक्रीज हो रही है। प्लस ये देखो 1 MB/s की आपकी डिस्क यूज होने लगी, जिसमें आपका 10 MB/s का ग्राफ यहाँ पे इसने विजिबल करा दिया है। प्लस आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन नॉर्मल है, बिकॉज मैंने इसे 4 कोर दे रखे हैं। अगर इसके पर ये भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सीपीयू आपने प्रोसेसर यूज कर रखा है, राइट। प्लस 0% नेटवर्क यूटिलिटी आपको दिखा रहा है, कोई भी नेटवर्क यूटिलिटी यूज नहीं हो रही। फिजिकल मेमोरी नॉर्मल है, आपकी यहाँ पे मेमोरी वैरीज कर रही है बार बार, और आपका डिस्क स्पेस का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक बार वायरशार्क पे देखोगे तो ये क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे पैकेट जो है वो रिफ्यूज होने लगे। अब अगर पैकेट रिफ्यूज होंगे तो उस केस में फिर आप यहाँ पे डेटा पैकेट वो रिसीव ही नहीं कर रहा। अगर वो डेटा पैकेट रिसीव करेगा तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रिफ्यूज कर रहा है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा, उसके बाद डेटा पैकेट जितने जाने चाहिए जा चुके, ठीक है। तो इस तरीके से आप रॉ सेगमेंट्स में या फिर मल्टी, आप ये भी छोड़ के आप क्या कर सकते हो, उसे डिफरेंट डिफरेंट लाइक सेगमेंट्स पे डेटा पैकेट सेंड कर सकते हैं हम पोर्ट के ऊपर, ताकि उसके ऊपर जो स्कैन हो नॉट इवन एंड ओनली फॉर 21 डिफरेंट आपके पैकेट्स के ऊपर चालू कर दे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमने जो इसको देखा वो 21 के ऊपर देखा, ठीक है। वापस आ जाओ, 0 MB/s की स्पीड यहाँ पे वापस आपको देखने को मिल रही है। प्लस आपका जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे गिर गया है ना, 10 MB से सीधे आ गया आपका 1 MB/s के ग्राफ पर। तो अब इस ग्राफ को गिरने देते हैं, एंड फिर आपकी मेमोरी जो है यहाँ पे 9935 पे सेट हो चुकी है, 935 की चल रही है। एंड डिस्क जो है वो आपका वाला सीपीयू जो है वो 12% 0% अभी तक अपनी 9 जितना रहा उतना सेट कर रखा है। केवीज में आ गया, 1 MB/s का ग्राफ यहाँ पे आपको विजिबिलिटी में दिखा रहा है, 11% सीपीयू यूज हो रहा है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर हम आते हैं और इसका पोर्ट नंबर बस चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस बार यानी हम इस बार जो पोर्ट करेंगे वो अपना 80 पे करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो क्या 80 पोर्ट नंबर वहाँ पे है भी एक्टिव। तो मैंने यहाँ पे nmap यूज किया, nmap, और उसके साथ बस पोर्ट नंबर जो था वो 80 सेट किया और एंटर किया। फिल्टर्ड है, वी कैन यूज इट, तो फिल्टर्ड पोर्ट है यानी फायरवॉल के थ्रू जा रहा है। हम चाहे तो इसे फायरवॉल का सेट वहां से हटा सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू, और उसके ऊपर फिर स्कैन भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से वहां पे कर रहे हो, ठीक है। ओके, मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ एक पोर्ट दैट इज 4444 एंड एंटर करते हैं, लेट्स सी, दैट इज अगेन फिल्टर्ड पोर्ट। ओके, तो काली पे आ जाओ वापस से, एंड यहाँ पे आके आपको करना क्या है, अगेन आपको सेट करना है MSF कंसोल को, स्टार्ट कर लो MSF कंसोल। स्टार्ट होने के बाद आप करोगे क्या है, यहाँ पर सर्च कर लो वही सेल फ्लड। ओके, माय बैड, स्पेलिंग मिस्टेक, यूज 0, एंटर। उसके बाद आपसे ऑक्सिलरी दिखा कह रहा है कि ऑक्सिलरी आपके ऑप्शन सेट करने हैं, तो शो ऑप्शन जो हमने लास्ट टाइम चलाए थे कमांड वही चलाने। नंबर ऑफ इंटरफेस कुछ नहीं देना, सेट आर होस्ट कर देते हैं, तो आर होस्ट यहाँ पे सेट कर दो, सेट आर होस्ट दैट इज 192.168.1.16, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आर पोर्ट जो है वो 80 सेट है, सेट रहने दो। एस होस्ट इस बार हम सेट नहीं करेंगे, तो रेंडमाइज करेगा वो, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम के एस होस्ट आपको मैंने दिखाना भूल गया था, वहां पे 1.13 से जा रही थी पैकेट, ठीक है। एस पोर्ट हमें नहीं सेट करना, टाइम आउट बढ़ा देते हैं, सेट टाइम आउट एंड जस्ट यूज अ रन, तो बिफोर रन वायरशार्क अगेन, ताकि हम पैकेट को कैप्चर कर पाए।
क्या स्टार्ट करते हैं। वहां पे हमें मशीन नॉर्मल यूटिलाइजेशन हो रही है मशीन की हर एक प्रॉपर्टी उसकी। ओके एंड जस्ट यूजर रन किया। ओके वायरशार्क पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पैकेट्स। तो आप ध्यान से देखो वन डॉट, अब देखो रेंडमाइज आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहा है। रेंडम आईपी एड्रेस कोई सा भी जिससे 1.16 के ऊपर पोर्ट नंबर 80 की हेल्प से 80 पे क्या कर रहा है, सिर्फ पैकेट्स को सेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर हमें एक उसके ऊपर सेंड कर रहे हैं, यानी कि एक नंबर जो भी हमारा है पोर्ट नंबर उसको सिलेक्ट करके कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है रिफ्यूज भी कर दे रहा है बहुत सारे पैकेट्स को, है ना। आप ऐसा नहीं चाहते कि वो आपके पैकेट्स को रिफ्यूज करे, तो आपको करना क्या पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे आपकी जो वो थी वो 1 MB पूरा चला गया, 10 MB/s का वापस से ग्राफ यहाँ पे आ गया है, और स्पेस जो है वो आपकी बढ़ रही है, सीपीयू जो है वो भी आपका वैरी कर रहा है, ग्राफ आपका ऊपर तक गया था। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर डॉस अटैक कोई भी करता है तो कैसा इंपैक्ट होगा सिस्टम के ऊपर, बिकॉज आपका ट्रैफिक एनालिसिस दैट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर, जिसमें वायरशार्क यूज कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं, विक्टिम के ऊपर कर रहे हैं। तो विक्टिम का जो नेटवर्क लाइक विक्टिम अगर हम है तो हम अपने सिस्टम अपने नेटवर्क पे वायरशार्क यूज करके देख रहे हैं कि पैकेट कैसे जा रहे हैं। बट उसी केस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो अटैक हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर या सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे हम कोई लाइव सर्वर को उठा नहीं रहे क्योंकि किसी की वेबसाइट नहीं हम करने वाले, बट स्टिल हम अपने मशीन पे करके देख रहे हैं जिसकी हेल्प से मुझे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा अटैक इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस? How we will detect ki from where this threat is coming, मतलब वो detection कैसे करेंगे हम इसमें? ये देख लो सारे पैकेट रिफ्यूज हो रहे हैं। चलो रिफ्यूज को हटा देते हैं, ऊपर चलते हैं। ये कैसे रिफ्यूज हो रहे हैं? Because of firewall. Firewall ने क्या कर रखा है, हमने रूल सेट बना रखा है। तो इसके अंदर आपका एक और पार्ट भी आएगा जिसमें हम अपनी फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिसमें हम फायरवॉल अलग अलग लाइक लिनक्स बेस्ड फायरवॉल एंड विंडोज बेस्ड फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि कैसे आप वहां पे पैकेट्स को फिल्टर करा सकते हो। ठीक है, बट उसी केस में ऊपर चले जाओ तो देखो यहाँ पे आपको ट्रैफिक पता चल रहा है 33.160213.92 से एक आईपी आ रही है जो आपके 1.16 के ऊपर अटैक कर रही है। तो आप ट्रैफिक एनालिसिस प्रोसीजर देखो, सबसे इफेक्टिव तरीका जो है मॉनिटरिंग प्रोसीजर इज द बेस्ट वन, जिसमें आप मॉनिटर करो लेकिन मॉनिटर करके आप चेक कर सकते हो केवल, उसे रोक नहीं सकते, है ना। तो रोकने के लिए आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, जैसे कि आप वैफ लगा सकते हो अगर सर्वर के ऊपर है, या फिर आप अपने फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो तो फायरवॉल लगा सकते हो। इसी तरीके के टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो इसके बाद जब हम अभी प्रोटेक्शन पार्ट पे आएंगे ना इसके, तब मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप इसको इजिली कर पाओगे। Okay, and you are using 3 things at a point, right? Wireshark, Nmap, and this Metasploit. देखो हमने मैंने यहाँ पे काली के अंदर क्यों Wireshark ओपन किया, बिकॉज यहाँ पे इनबिल्ट है। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहते तो सही मायने में तो हमें अपने विंडोज 7 जो हमारा विक्टिम है हमें उसके ऊपर ओपन करना चाहिए था। पहले मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता फिर ओपन करते है ना, तो उसके मैंने ना यूज करते हुए अपना ट्रैफिक एनालिसिस दिखाने के लिए काली के ऊपर कर लिया इसको, यानी कि अटैकर मशीन पे कर लिया। तो मुझे ट्रैफिक देखना था बस कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो मुझे यहाँ से विजिबल हो रहा है। ठीक है, Nmap हमने यूज किया है बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो पोर्ट नंबर है जिसपे मैं अटैक करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने पोर्ट नंबर 21 लिया 80 लिया, क्या ये पोर्ट नंबर यहाँ पे ओपन भी है कि नहीं है। ओपन है, फिल्टर्ड है, दैट्स ओके, बट अगर क्लोज्ड होते तो हम इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। मतलब Nmap की कमांड्स नहीं, Nmap की कमांड इसमें नहीं है आपकी। अच्छा, ओनली मेन जो आप पोर्ट से रिलेटेड आपस। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि Nmap जैसे ये जो नॉर्मल कमांड्स हैं CH के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ के आए होंगे। मैंने कहा ना कि आप DOS अटैक में भी आपने CH के अंदर पढ़ा होगा, तो उसमें शायद उन्होंने नहीं,
पढ़ा एक्चुअली दैट इज व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग नहीं पढ़ा है ओके नॉट एन इशू इसकी ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जो अपलोडेड है एंड मैप से रिलेटेड मैं आपको वो सेंड कर दूंगा लिंक्स आप उनमें देख लेना ठीक है ऑलरेडी मैंने जितने भी एनमैप के इफेक्टिव कमांड्स हो सकते हैं वो वहां पे दिखा रखे हैं आप उसमें देख लेना कौन कौन से हैं एंड मेटास्प्लॉइट का बेसिक यूज क्या है सर मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज मल्टीपल थिंग्स के लिए किया जाता है जैसे एक्सप्लॉइट करने के लिए लॉगिन चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए स्कैनिंग के लिए भी करते हैं हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी करते हैं ब्रूट फोर्सिंग के लिए भी करते हैं एंड एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी करते हैं मतलब मल्टीपल पर्पस से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज होता है आपका हियर वी आर यूजिंग फॉर स्कैनिंग पर्पस राइट हियर वी आर यूजिंग फॉर द अटैकिंग मेथड अटैकिंग पर्पस हम यहाँ पे मेटास्प्लॉइट यूज कर रहे हैं अटैकिंग के लिए क्योंकि हम अटैक कर रहे हैं इस समय हम स्कैन नहीं कर रहे हम अटैक कर रहे हैं ना क्योंकि हमने डॉस अटैक मारा है तो वो क्या हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मल्टीपल ट्रैफिक भेज रहे हैं तो मल्टीपल ट्रैफिक वो तभी रिसीव करेगा जब उसके पास वो पोर्ट एक्टिव होगा देखो फायरवॉल करती क्या है फायरवॉल आपकी जैसे कि मैंने एक रूल सेट बनाया कि 50 पैकेट पर सेकेंड मेरे पास आनी चाहिए ठीक है अगर 50 पैकेट पर सेकंड से ज्यादा आएंगे किसी भी पोर्ट के ऊपर जैसे मैंने टीसीपी के हर एक पोर्ट टीसीपी के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड होता है मैंने कहा कि 80 पोर्ट नंबर पे जो टीसीपी के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है उस पे अगर 50 पैकेट पर सेकंड से ज्यादा आते हैं तो आप उनको रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दो तो इसने वही किया जैसे कि कुछ पैकेट से पहले रिसीव किए फिर रिफ्यूज किया फिर रिसीव किए फिर रिफ्यूज किया जब इसे लगने लगा कि बहुत ज्यादा आ रहे तो इसने उन सारे पैकेट्स को रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया कंटीन्यूअसली रूट काली में ये अवेलेबल क्यों है बिकॉज इट इज मेकिंग एन इन मतलब दूसरा एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है तो ये फिर कैसे अवेलेबल है हमारे पास देखो पहली चीज काली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दो तरीके से डिजाइन किया जाता है एक आपके अटैकिंग मोड के पर्पस से डिजाइन किया गया है एक आपके डिफेंसिव पर्पस के मोड से डिजाइन किया गया है यानी प्रोटेक्शन एंड अटैकिंग दोनों अब किसी पर्सन को अगर डिफेंस सीखना है तो सबसे पहले उसे अटैक करना तो पता होना चाहिए ना कैसे करेंगे आपको अपने ब्रिज कनेक्शन के ऊपर कनेक्टेड होने चाहिए तभी मैंने उसको सबसे पहले नेट से ब्रिज पे स्विच किया था अगर मैं नेट पे रहता ना तो मैं अटैक नहीं कर पाता अदर सिस्टम्स के ऊपर लाइक सपोज दैट यू आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड आपकी आईपी डिफरेंट आईपीज वहां पे और मिल रही है आपको लाइक डिफरेंट आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट किया वहां पे मल्टीपल सिस्टम्स और हैं आप किसी एक सिस्टम को टारगेट करके उसको क्या करना चाहते हो अटैक करना चाहते हो उसके ऊपर किस टाइप का डॉस अटैक तो सबसे पहले आप क्या करोगे उस आईपी को फाइंड आउट करोगे आईपी को फाइंड आउट करने के अगर आप नेटवर्क के अंदर हो एंड यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट द आईपी तो ये चीज मैंने बताई नहीं है इसमें बट आप यहाँ पे देख लो आप कमांड यूज कर सकते हो आर्प स्कैन हाइफन एल ठीक है तो वो उस क्या करेगा जितनी भी आईपी एड्रेसेस वहां पे अवेलेबल हैं उन सबको आपको यहाँ पे शो करा देगा तो अब आपको जब यहाँ पे आईपी एड्रेसेस मिल गए देन उन आईपी एड्रेसेस में से आपको एक टारगेट आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना है एंड उस टारगेट आईपी एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे उसके अंदर पोर्ट चेक करोगे कि मुझे किस पोर्ट के ऊपर अटैक करना है पोर्ट सिलेक्ट किया हमने पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर चेक किया क्या वो पोर्ट आपका ओपन है या फिल्टर्ड है फिल्टर्ड है तो इट मींस वो फायरवॉल के थ्रू कॉन्फ़िगर किया गया है ओपन है तो उसके ऊपर फायरवॉल कॉन्फ़िगर नहीं करी गई है लाइक सर आई एम वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी सो वी आर हैविंग ग्लोबल प्रोटेक्ट इन आवर सिस्टम्स ओके दैट इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड एंड सिक्योरिटी इज देयर सो इन दैट केस हाउ वी विल डिटेक्ट दैट वेदर फायरवॉल इज देयर और एनी अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग अगर कोई भी आपका अदर ग्लोबल आपने सिक्योरिटी ले रखी है दैट इज लाइक जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्लाउड फेयर का ठीक है क्योंकि ग्लोबल आपको सिक्योरिटी देता है तो उस केस में आप वहां पे अगर अटैक करोगे और फाइंड आउट करना चाहोगे तो अगर वैफ लगी है ना वैफ इज ऑल्सो अ फायरवॉल
बट वो किसके लिए, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स बोली जाती है, ठीक है, वो भी एक फायरवॉल है बट वो किस टाइप के, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो, विंडो डिफेंडर वगैरह आप देख सकते हो, या फिर अगर हम अलग से फायरवॉल जैसे लिनक्स वगैरह में इंस्टॉल करना चाहे तो हम अलग से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, बट नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो यूज होती है वो आपकी डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू होती है, लाइक जैसे कि फोर्टीनेट के हो गए, सिस्को के हो गए, है ना, तो वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी बोली जाती है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल को, जो आपके राउटर से पहले लगाई जाती है। तो एक तरीके से ऐसे समझो कि आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो आपके एक राउटर से निकल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल ऑन द सर्वर, राइट, वो जो वेब एप्लीकेशन है उसके पहले मैंने एक सिक्योरिटी काउंटर मेजर लगाया जो किसका है, फायरवॉल का है, जो उसको हम बोल रहे हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है कि कैसे हो रहा है अटैक, राइट? यस, नाउ इट्स क्लियर। सो हम यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर देते हैं, एंड एग्जिट करके अब मैं आपको एक और टूल बताऊंगा यहाँ पे जिसकी हेल्प से हम इस अटैक को और इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो पैकेट थे वो रिफ्यूज हो रहे थे, क्यों पैकेट रिफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज हम जो अटैक कर रहे थे वो अटैक जो है वो पर्टिकुलर एक पोर्ट के ऊपर जा रहा था। अगर इसी को आप मल्टीपल पोर्ट से करना चाहते हो, मल्टीपल यहाँ पे अटैक करना चाहते हो, पैकेट ज्यादा सेंड करना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो अभी तक हमने इस अटैक को चलाया तो लगभग इतने पैकेट यहाँ पे सेंड हुए, लगभग 9,96,581 पैकेट सेंड हुए टोटल, ठीक है। अब जो मैं आपको अटैक दिखाऊंगा उसमें आप ध्यान से देखना नीचे कितने पैकेट सेंड होंगे, यहाँ पे पैकेट जो हैं वो आपके करोड़ों में पहुंच जाएंगे कुछ सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करेंगे ताकि हम फिर से पैकेट्स को कैप्चर करेंगे। टूल जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, टूल का नाम है आपका एचपिंग 3 टूल, ठीक है। एचपिंग 3 टूल जो है बेसिकली वो आपको अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि आप इसका स्कैनिंग में भी यूज कर सकते हो, इसका अटैकिंग में भी यूज कर सकते हो। एचपिंग 3 टूल यूज करता है आपका जीपीयू सिस्टम रादर देन यूज टू द सीपीयू। अगर आपके सिस्टम के अंदर जीपीयू नहीं है तो आपका सीपीयू से भी काम चल जाएगा, बट स्टिल ये जो जब आपका अटैक करेगा ना तो उस केस में अगर आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है तो आपका सिस्टम खुद भी क्रैश हो सकता है, मतलब आप अटैक करने गए हो विक्टिम के ऊपर, बट हो सकता है आपके ऊपर उल्टा अटैक हो जाए और आपका सिस्टम खुद ही क्रैश हो जाए। तो मेक श्योर कि आप जब एचपिंग 3 यूज करो तो हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स के साथ ही यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्डली बहुत तेज इफेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला, दैट इज 192.168.1.16, एंड इसके साथ पे मैंने यहाँ पे यूज किया --flood, सिंपल एचपिंग 3 एंड अपना जो आईपी एड्रेस था वो दिया एंड --flood। इसको रन करने से पहले मैं एक काम करूंगा, मैंने --flood यूज किया है, ये मल्टीपल पैकेट सेंड करेगा। अपनी यूटिलिटी सेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे 1 MB/s का डेटा यहाँ पे यूज हो रहा है, आपका सीपीयू जो है 11% 0% लाइक 12% इतना यूटिलाइजेशन हो रहा है, मेमोरी जो है आपकी 952 MB के अराउंड दिखा रही है आपको, 950 के अराउंड, ओके। सो इसको हम रन कराते हैं, पार्शाफ ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, एंड कनेक्शन स्टार्ट किया, एंड जस्ट क्लिक टू रन कराया हमने, ठीक है। रन कराने के साथ नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं मल्टीपल पोर्ट नंबर्स पे, देख रहे हो मल्टीपल सोर्स पॉइंट से मल्टीपल डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे ट्रैफिक जा रहे हैं, एंड इन्हीं पैकेट्स को आप यहाँ पे आके देखो, देखो 21 MB/s की आपकी डिस यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, स्पेस देखो कितनी जल्दी बढ़ रहा है, आपका सिस्टम सीपीयू कितनी तेज यूज हुआ था, लगभग 70% के अराउंड यूज हो गया था बीच में। 100 MB/s का ग्राफ यहाँ पे आपको विजिबल करा रहे हैं, 19 MB/s का आपकी
डिसयूटिलाइजेशन हो रहा है. तो अगर मैं आपको मैग्नीफायर के थ्रू दिखाऊं ये चीज तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगी. दिख रहा है? और कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है सिस्टम का. तो क्यों हो रहा है? बिकॉज अटैकर मशीन एंड विक्टिम मशीन बोथ आर द सेम सीपीयू, आपके सेम सीपीयू के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1.87. देखो इसमें से कोई भी पैकेट आपके रिफ्यूज नहीं हो रहे सेगमेंट्स, क्योंकि ये छोटी छोटी सेगमेंट्स से सेंड करा है. नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे लास्ट में देखो आपके पैकेट्स कितने हो गए, ये करोड़ में पहुंच चुके हैं पैकेट, 6 करोड़. दिख रहा है? हेलो गाइस, आर यू देयर? यस सर. देख लो कितने ज्यादा पैकेट यहाँ पे सेंड कर दिए इसने. यस सर. हाँ जी, 80 लाख से भी ज्यादा हो गए सर. 84,41,000 समथिंग अभी सेंड हो चुके हैं. अभी करोड़ नहीं पहुंचा, बस करोड़ पहुंचने वाला है. तो सारे पैकेट जा रहे हैं, पैकेट का जो विंडो साइज है 512 है, एंड पैकेट जो सीक्वेंस में सेंड हो रहे हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ आईपी 1.8 से जा रहे हैं 1.16 के ऊपर. लो करोड़ में पहुंच गया ये. देख लो कितनी सेकंड में, हार्डली 2-3 मिनट, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे अभी तो, राइट? और विक्टिम मशीन पे आप आके देखोगे तो यहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है. It is just sending TCP protocol. Because I'm, we are performing this attack over the TCP protocol. Okay, that is right. तो मैंने इसे रोक दिया है. तुरंत असर नहीं होता है, रोकने के बाद भी कुछ टाइम पीरियड लेगा और उसके बाद इस अटैक को स्लो करेगा. आप वहां पे आ जाओ, पैकेट्स कैप्चर करने पे देख लो. तो देखो पैकेट्स जो हैं वो स्लो अमाउंट में कैप्चर, पैकेट अब जाने बंद हुए हैं. पैकेट अभी तक जा रहे थे बंद होने के बाद भी कितनी देर तक. जीरो एमबी पर सेकेंड का ग्राफ आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से अटैक चल रहा है, राइट? यस. बढ़िया. सो आज के लिए इतने रखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना जो है यानी कि फ्राइडे कवर करेंगे, जिसमें हम DDoS इसके आगे का देखेंगे, एंड उसी के साथ में अपना प्रोटेक्शन पार्ट भी देखेंगे कि आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये अटैक होता है. ठीक है, कल की क्लास नहीं होगी सर, छुट्टी है कल की. कल थर्सडे है, कल मेरा ऑफ है, इसलिए कल नहीं होगी क्लास. ठीक है, ठीक है सर. ओके गाइस, इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा.